हेलो माय डियर ट्रेनीज, आज हम लोग डीलेट के क्लास में अपने विषय कोड सेकंड ईयर के S8 में कहानी लेखन के उद्देश्य को पढ़ेंगे, जिसमें यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है और आप लोग उसको आसानी होगी कि कहानी लेखन के क्या उद्देश्य हैं, विद्यालय में कहानी की उपयोगिता का वर्णन करें। डियर ट्रेनीज, कहानी लेखन जो हम लोग पाठ टॉपिक पढ़े थे, उस टॉपिक में हम लोगों ने ये देखा कि लेखन कौशल को हम किस किस प्रकार से विकास करेंगे, बालकों का विकास हम कौन कौन से बिंदुओं को ध्यान में देते हुए किस प्रकार उनको लेखन के में कि क्रियाशीलता कैसे उसमें रखेंगे, किस प्रकार उनका विकास करेंगे कि वो स्पष्ट और सुंदर लिखें। तो इसमें उनके उद्देश्य क्या है, कहाँ अब हम कहानी लेखन के लिए हम श्रुति लेख, कहानी लेख, पत्र लेख इत्यादि हम लोग पढ़े हैं, जिसमें हमें यहाँ हम लोग कहानी लेखन के बारे में पढ़ेंगे कि कहानी लेखन का पहले जानेंगे कि उद्देश्य क्या है। तो यहाँ सबसे पहले है कि स्वस्थ मनोविनोद और मनोरंजन की शिक्षा देना। हम लोग बचपन से ही कहानी सुनते आते हैं और कहानी हमें बहुत ही रोचक लगती है। बचपन से ही जब हम कहानी सुनते हैं तो बड़ा ध्यान एकाग्रचित लगा करके हम उस कहानी को सुनते हैं और कहानी हमें सुनते सुनते याद भी हो जाती है, यानी वो रुचिपूर्ण होता है। हम मनोरंजन के साथ साथ क्या करें कि स्वस्थ मन को स्वस्थ रखने के लिए और मनोरंजन की शिक्षा देने के लिए हम कहानी लेखन का प्रक्रिया में बालकों को कहानी लेखन के मौका देते हैं। दूसरे में है कि बालकों को स्पष्ट एवं तर्कसंगत ढंग से विचार करना सिखाना। अब जब जो कहानी होता है उसमें दो पात्र होते हैं, एक तरफ अच्छा दिखाया जाता है, एक तरफ बुरा दिखाया जाता है। उस कहानी में किसी ऐसी विशिष्ट बात को केंद्रित रख कर के हम कहानी बनाते हैं, या बालक पे, या जानवर पे, या जंगल पे, या किसी शिक्षाप्रद बातों को लेकर के कि इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। तो इसलिए बालक को हम जब कहानी सीखने के लिए प्रेरित करें, उनके लेखन का विकास करें, तो बालकों को स्पष्ट और तर्कसंगत ढंग से वो जो है कहानी के द्वारा उसका विकास होता है कि बालक सबसे पहले स्पष्ट लिखता है और तर्कसंगत ढंग से विचार करना सीख जाता है। अब इन्हीं लेखन कौशल के विकास का हमारा तीसरा उद्देश्य है कि बालक अपनी कल्पना शक्ति के प्रयोग के अवसर प्रदान करता है। बालक को वो क्या करता है कहानी लेखन से, उनकी कल्पना शक्ति, जब हम कहानी बोलते हैं, जब हम कहानी कहते हैं, तो उस समय क्या होता है, हमारी कल्पना में वो चित्र जो है वो उभरने लगती है। तो उन्हीं चित्रों के द्वारा हम उस कहानी को अपने कल्पना शक्ति में, अपने ध्यान में केंद्रित करते जाते हैं। तो इस प्रकार वो क्या होता है कि कल्पना शक्ति के अवसर प्रदान करता है कहानी लेखन उनका। कहानी लेखन में अगला हमारा चौथा नंबर पे उद्देश्य है कि उनके संवेगों को प्रशिक्षित करना। जो संवेग होते हैं बालक के, जो संवेग है वो प्रशिक्षित करना, यानी जो उनके अंदर भावनाएं आती हैं, जो उत्तेजना आती है, जो लिखना चाहता है, जो उनके मन की बात होती है, जो संवेग उत्पन्न होता है, तो वो क्या करता है उसको अपने लेखन में, कहानी में उतारता है। पाँचवें नंबर पर है उनके सम्मुख व्यक्तिगत एवं सामाजिक व्यवहार के आदर्श। अब जो बालक कहानी लिखता है, अगर हम कहते हैं कि आप अपने याद से कोई कहानी लिखिए, जिसमें हमारे पाठ्यक्रम बल्कि बच्चों के पाठ्यक्रम में अगर चार कहानियां हैं, तो जिस प्रकार उसने कहानी को जो हमने पढ़ाया कक्ष में, तो कहानी पढ़ने के बाद बालक को ऐसा लगता है कि किसी शेर, हाथी या राजा, जंगल का राजा शेर इत्यादि उसको बहुत पसंद आया और उसने उसके कहानी को बहुत रोचक तरीका से उसने अपने मतलब अपने सम्मुख स्वयं क्या करता है कि वो उस आदर्श, उसमें क्या आदर्श उसे समझ में आया वो अपने जीवन में उतारता है कि किस प्रकार जो है वो जंगल का राजा था और किस प्रकार वो सभी जानवरों को खा जाया करता था, तो वो गलत था। तो उसमें उसने जो ज्ञान हासिल किया कहानी के द्वारा, तो उसमें वो वहाँ पे अगर उससे पूछते हैं तो वो कहता है कि स्पष्ट कहता है कि वो राजा जो था जंगल का, वो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
वो अपने सम्मुख अपने सामने व्यक्तिगत यानी स्वयं और समाज के व्यवहार में भी एक आदर्श बालक एक आदर्श व्यक्ति का स्थान प्राप्त करता है। तो ये कहानी लेखन के द्वारा ही भी संभव हो सकता है। छठे नंबर पे उनकी भाषा एवं शैली विषयक रुचि का परिष्कार करना। यहाँ उनकी भाषा शैली, अब कहानी में जो होता है परियों की कहानी होता है राजा की कहानी होती है, तो वहाँ जैसे राजा होता है या हम उसमें लिखते हैं राजा और प्रजा, वहाँ लिखते हैं शासक, उसमें कहानी में आता है कि किसी बादशाह, तो इस प्रकार के जो होता है क्या कि भाषा शैली में उसका लिखन लेखन के साथ साथ उसकी भाषा शैली का भी विकास होता है। सात नंबर पे है उनकी हृदयगत भावों को क्रमबद्ध तर्कपूर्ण और सुश्रृंखलित एवं स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करने के साधन को वो प्रस्तुत करता है, अपने हृदय के सौंदर्य परिचय। अब यहाँ जो है कि बालक जब लिखता है किसी कहानी को तो उनके अंदर वो बात आती है, कभी कभी वो एक ऐसी कहानियाँ गढ़ लेता है कि उसके मन में जो भाव आती है उसके द्वारा उस बात को वो स्पष्टता बताता है। तो वहाँ पे वो क्या किया, अपने अंदर अपने मन में अपने हृदय में उसकी एक भाव आई कहानी सुनने के बाद पाठ पढ़ने के बाद, या सौंदर्य परिचय उस कहानी में जो मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का राजा का सौंदर्य परिचय देता है कि बड़ा बलशाली वीर, तो इस तरह से वो क्या अपने आप को वहाँ पे उसके हृदय में ये बात आती है किस प्रकार वो सौंदर्य परिचय करता है कहानी लेखन के द्वारा, और बड़ा ही सुगम ढंग से उसके मन में जो बात आती है उसको वो क्या करता है तर्कपूर्ण और क्रमबद्ध तरीका से तर्क यानी दोनों में तर्क करता है और उसमें स्पष्ट रूप से अपने द्वारा वो व्यक्त करके दिखाता है प्रस्तुत करता है। आठवें नंबर पे है साहित्यास्वादन और सौंदर्य परिचय की कथा द्वारा सुगम ढंग से हृदयगम कराया जा सकता है। देखिए जब हम और आप जो प्राथमिक स्तर से हम बच्चों को कहानी के द्वारा कविता के द्वारा जो पढ़ाते हैं तो वो चीज़ उसको याद है और वो अपने हृदय में वो इतनी ही हृदयगम यानी इतना ही उसे पसंद आता है, इतना वो उसके मनोरम लगता है कि वो क्या करता है कि उसको सुगम ढंग से भी बोल करके कह के बताता है। उसका उसका जो साहित्य स्वादन जो है वो साहित्य यानी जो उसके बाल किताब में है, जैसे उसके साहित्य होते हैं चंपक इत्यादि, नंदन चंपक, तो इन सब में पढ़ पढ़ करके वो क्या करता है उसका उसको बहुत ही भाता है, भाने का मतलब है वही साहित्य स्वादन करता है और उसके द्वारा वो क्या करता है साथ ही चराचर सृष्टि के साथ मानव जीवन को सहानुभूति सूत्र में बांध कर सामूहिक जीवन के किसी मार्मिक स्तर पर उद्घाटन कहानी कला की चरम परिणति है। वो क्या करता है कि जैसे वो कहानियों में पढ़ता है कि कैसे जीवन की रक्षा करना चाहिए, कैसे बालक ध्रुव की अगर कहानी आती तो वो कैसे मानव जीवन में कैसे ईश्वर में उसको कितनी भक्ति थी, ईश्वर को कितना मानता था, ईश्वर हैं ये जानता है। अब उसी के साथ साथ वो जानवरों व्यक्ति मनुष्य माता पिता व्यवहार में जो वो आदर सूचक बात होती हैं वो सारी बातों को वो क्या करता है अपने जीवन के उस स्तर पर उसका प्रयोग करने लगता है जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है। कैसे वो चाहता है कि हम भी बलशाली बनेंगे, अगर बालक को किसी शक्तिशाली शासक की कहानी सुनाई जाती है वहाँ वो क्या सोचने लगता है कल्पनाशील हो जाता है कि हम भी उसी की तरह बलशाली शासक बनेंगे। इसी प्रकार कहानी कथन तथा कक्षा जो होती है उसमें हम क्या करते हैं, वर्तमान काल में मनोवैज्ञानिक की नवीन खोजों ने शिक्षा क्षेत्र में महान परिवर्तन ला दिया है, अब शिक्षक नहीं विद्यार्थी शिक्षा का केंद्र बिंदु है। क्या है विद्यार्थी, पहले जो था वो जो शिक्षा जो था वो अभी जो हम अभी की जो बात करते हैं हम तो अभी है कि हमारा जो शिक्षण है वो कैसा है बाल केंद्रित। अब शिक्षक क्या है कि विद्यार्थी शिक्षा का केंद्र बिंदु है और बालक जो भी ज्ञान दिया जाए वह इतनी रुचिपूर्ण और सरल एवं स्वाभाविक ढंग से दिया जाए कि बालक उसे पाने के लिए प्रयत्नशील हो उठे। अतः
बालक को पाठ में रुचि बनाए रखने तथा सुगमता से ज्ञान को हृदयगम कराने हेतु कथा प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कहानी कहने और सुनने की प्रवृत्ति बालकों में आदि काल से होती है। अध्यापक को कहानी कथन के समय ध्यान रखना चाहिए कि कहानी कथन के उद्देश्य से वह दूर न जा पड़े। कहानी का मुख्य उद्देश्य बोलने की आदत डालना है तथा विचारों की क्रमबद्ध शक्ति को बढ़ाना है। कहानी का विषय और उसकी भाषा कक्षा के अनुसार सरल होनी चाहिए। जो ज्ञान दिया जाए वह परोक्ष रूप में भाषा के अनुसार सरल होनी चाहिए। जो ज्ञान दिया जाए वह परोक्ष रूप में कैसी होनी चाहिए? भाषा वह परोक्ष रूप में ही हो, क्योंकि कहानी स्वयं रोचक ढंग से स्व कर्तव्य निरतर कर देने का प्रधान साधन है। आइए देखते हैं कि विद्यालय में कहानी की उपयोगिता। विद्यालय में कहानी की उपयोगिता पहले है कि कहानी केंद्र वस्तु है। कहानी जैसे कि हम अगर बातों बातों में पढ़ाते हैं, जिसमें कि हम पढ़ा रहे होते हैं, उसमें अगर कहानी के द्वारा हम पढ़ाते हैं तो कविता के द्वारा पढ़ाते हैं तो बच्चे बड़ा जल्दी क्या करते हैं उसको, क्योंकि उसमें जो है बच्चों को बड़ा वो रोचक लगता है। तो इसलिए कहानी जो है वो केंद्र वस्तु है, जो निरक्षर बच्चों के भाव प्रकाशन से लेकर गद्य पद इतिहास भूगोल आदि विषयों तक को बड़े रोचक ढंग से हृदय गम करा सकती है। वो कोई भी व्यक्ति हो या बालक हो या वो कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र सापेक्ष का। लेकिन क्या होता है कि जब हम बचपन से ही क्या करते हैं, वो भाव प्रकाशन को, वो चाहे कविता में हो, कहानी में हो, इतिहास में हो, भूगोल में हो, किसी भी तरह से हो, वो क्या करता है कि कहानी के द्वारा हम उसको हृदयगम में करा सकते हैं, हम याद कर सकते हैं, हृदय में उतर जाता है वो बात। जैसे अभी मान लीजिए कि हम भूगोल की बात करते हैं तो हमारी पृथ्वी में के चौहद्दी में क्या है, कितना हमारा जल है, कितना स्थल है, तो इस प्रकार अगर हम उसे कहानी के अनुसार बताते हैं तो वो हमारा हृदय में बैठ जाता है, हमारे हृदय में ही वो चीज़ इस तरह से समा जाता है कि हमें उसे याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। बच्चे अपने होश संभालने के समय से ही अपने माता पिता भाई बहन नाना नानी आदि कुटुंबियों से कहानी सुनने में अभ्यस्त और इच्छुक हो जाते हैं। इसलिए पाठ्य विषय को रोचक बनाने के लिए इस साधन का प्रयोग करना स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक है। तीसरे नंबर पे हम यहाँ देखते हैं, बच्चों को कहानी की पुस्तकें प्रिय लगती हैं और उन्हें पढ़ने में वे अधिक रुचि दिखाते हैं, अतः छोटी कक्षा में किसी विषय को कहानी के माध्यम से पढ़ाना उपयुक्त है। चार नंबर पे है, मनुष्य की भांति बोलते हुए पशु पक्षियों की कहानियों से बच्चे बड़े प्रसन्न होते हैं, अरस्तु उन्हें प्रकृति निरीक्षण का अधिक अवसर दिया जाए। इस प्रकार कहानियों से वह पशु पक्षियों के स्वभाव, कार्य और उनके उपयोग की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार भूगोल और विज्ञान के शिक्षण में कहानी महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है। कहानियों के द्वारा बच्चों की रुचि जागृत होती है, जिज्ञासा बढ़ती है और समझ विकसित होती है। कहानियाँ बच्चों के मनोरंजन का मुख्य साधन है। कहानियों के द्वारा आदर्शों की स्थापना की जा सकती है। उन्हीं के द्वारा शिक्षक अपने शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करता हुआ बच्चों के मन को जीत सकता है और इस प्रकार अनुशासन की समस्या का भी हल हो सकता है। कहानी एक संपूर्ण वर्णन है। जब वह दृष्टिपथ से पूरी तरह समा जाती है तो उसके अवयवों को अर्थात वाक्यों को पहचानने में सरलता हो सकती है। इस प्रकार वाक्यों के बाद शब्द और फिर अक्षरों को पहचानने में देर नहीं लगती। इस विधि से स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ा जा सकता है। ये है आपके कहानी लेखन का उद्देश्य। पहले हमने उद्देश्य के बारे में हम चर्चा किए हैं यहाँ पे, और उसके बाद हमने इसको कैसे, इस कथन को, कथन और कक्षा को किस प्रकार से हम उसको स्पष्ट करते हैं, विद्यालय में इसकी क्या उपयोगिता है, और इसके द्वारा हम लोग कहानी के द्वारा कैसे बालक का लेखन क्षमता का हम विकास कर सकते हैं। तो ये आपका प्रश्न का उत्तर था। इसे आप लोग नोट कर लेंगे, तैयारी करेंगे और कमेंट में आप बताएंगे कि कौन से टॉपिक आपको आगे पढ़ना है, और तो उसके लिए हम वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड कराएंगे। और ये हमारा ऑनलाइन क्लास जो है वो आप लोग के लिए स्पेशल है, ताकि आप लोग इसको पढ़ें
और इसको जो बच्चे अभी तक इससे अनभिज्ञ हैं उन्हें बताएं, शेयर करें उनको, या जो आपके नज़दीकी किसी अन्य कॉलेजों में बच्चे पढ़ते हैं उनको भी आप इस ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, या उन्हें बोलिए कि सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट इसलिए मैं बोल रही हूँ बच्चों कि आप लोग को जो टॉपिक पसंद आए आपके सिलेबस से, या कोई प्रश्न आपको मिलता है जिसको सुलझाना आवश्यक है, तो आप हमें कमेंट में लिखें और फिर हम लोग उसका वीडियो मैं बनाऊंगी और आपको प्रोवाइड कराऊंगी। थैंक्स।